नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज की स्पेशल रिपोर्ट। मधुबनी जिला अंतर्गत ललवनिया थाना क्षेत्र के घोरमाना गांव निवासी नवीन कुमार अपने यतीम भाई बहनों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने आज शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर जिला प्रशासन से अपने पिता के कातिल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वहीं इन्होंने पुलिस पर गुनहगारों को बचाने का इल्जाम भी लगाया है। इन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया को बताया कि मेरे पिता राम रतन महतो, जो जिला कुशवाहा महासभा के पूर्व जिला सेक्रेटरी और जेडीयू किसान सेल के कुटौना के ब्लॉक अध्यक्ष थे, बीते 28 अप्रैल 2020 को उनका कत्ल कर लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया गया था, ताकि यह मामला एक हादसा में तब्दील हो जाए। जबकि मेरे पिता का कत्ल रूप नारायण यादव, बाबू कुमार सहलैता, धर्मेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार पासवान और रजनीश यादव ने किया था। कत्ल का यह मामला सियासत के वर्चस्व की वजह से की गई है, क्योंकि मेरे पिताजी बिना किसी जात और किसी मजहब के से ऊपर उठकर गरीब और कमजोर लोगों की मदद करते हैं और मुखिया रूप नारायण यादव के की मुखालफत भी क्या करते थे। कत्ल का यह मामला खुटौना थाना में दर्ज है, लेकिन पुलिस अब तक जांच के नाम पर असल मुजरिम को बचाने की कोशिश में लगी है। पुलिस इस मामला को हादसा में बदलना चाहती है, एक घटना में बदलना चाहती है। गवाहों को सामने नवीन कुमार की माने तो पुलिस इस कत्ल मामले में ऐसे जाली गवाहों को पेश कर रहा है जो वारदात के वक्त घुस की पट्टी में मौजूद ही नहीं था। वही कुछ चश्मदीद गवाह की बातें को डायरी में दर्ज तक नहीं किया जा रहा है, जो सरासर गलत और नाइंसाफी की बात है। नवीन ने बताया कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे और हमारा यह हड़ताल जारी रहेगा। इसलिए जिला प्रशासन के साथ कुशवाहा महासभा और सभी सियासी पार्टी के लीडरान से मेरा निवेदन है, वो मुझे इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। क्या मामला बताइए। पिताजी को मार के पिताजी किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष थे, उनको मेरे घर पे 10:30 आए। बाबू कुमार सलैता, रजनीश कुमार यादव, राजेश पासवान और रूप नारायण यादव लवनिया पंचायत के मुखिया है, आए लाल रंग के बुलेट पर बैठा के ले गए। बोले कोई काम है चलिए, और रास्ते में 10:30 मेरे घर से निकले और रास्ते में घुसीपट्टी गाँव में मार के झाड़ी में फेंक दिए। वहाँ से 4:00 हम लोगों को सूचना मिला फोन व्हाट्सएप द्वारा कि आपका पापा का मृत्यु हो गया है, छोटा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए उठाकर भेजा। फिर 3 महीना बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस प्रशासन इस पर कोई नहीं ले रहे हैं, बता रहे हैं कि सड़क दुर्घटना है, तो सड़क दुर्घटना नहीं है। मेरा पिताजी रोड पे होना चाहिए, रोड पे नहीं है। अभी आप क्या चाह रहे हैं। हमें उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, CBI की जांच का मांग कर रहे हैं हम। हमें न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम धरना पर बैठे। क्या नाम है। नवीन कुमार महतो। अभी अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय रेफरल अस्पताल सह PSC अंधराठाड़ी में शुक्रवार को 110 व्यक्तियों की कोरोना जांच की गई। जांच में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संक्रमित पाए गए सभी लोग होमगार्ड के जवान हैं। यह जानकारी
हेल्थ मैनेजर सुशील कश्यप ने हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी को दी। इन्होंने बताया कि लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या से बाजार में अफरा तफरी और डर का माहौल है। लोग अब बाजार जाने से डरने लगे हैं। पूरे प्रखंड क्षेत्र में कोरोना की दहशत बढ़ती जा रही है। अब तक कोरोना के चपेट में पुलिस, प्रखंड कर्मी, किसान सलाहकार और स्वास्थ्य कर्मी सहित कई सरकारी विभाग और गैर सरकारी कर्मी आ चुके हैं। वहीं अंधारी प्रखंड के जमैला गांव में शुक्रवार को बच्चे विद्युत स्पर्श घात से बाल बाल बच गए। अगरचे ग्रामीण तेजी नहीं दिखाते तो भयंकर हादसा संभावित था। आलम के अंसारी के मुताबिक जमैला गांव के हटिया के निकट एक तालाब है। तालाब के निकट विद्युत ट्रांसफार्मर है। शुक्रवार को दर्जनों बच्चे उस तालाब में स्नान कर रहे थे। अचानक ट्रांसफार्मर में जोर से आवाज हुई। विद्युत प्रवाहित दो तार तालाब में गिर पड़े। करंट पानी में आ गया। उस समय तालाब में स्नान कर रहे दो बच्चे जोर जोर से चीखे चिल्लाने लगे थे। तालाब के आसपास अफरातफरी मच गई थी। संयोग बस उस समय तालाब के निकट बहुत लोग मौजूद थे। मोहम्मद नफीस आलम ने दौड़कर ट्रांसफार्मर के लाइन को के स्टार्टर को गिरा दिया और बच्चों की जान बचाई। बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया। गांव के आलमगीर मोहम्मद शकील, रबे आलम, किताबुद्दीन, मोहम्मद इरफान, नशाद आलम, मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद नजाम आदि ने बताया कि संयोग से मौके वारदात पर ग्रामीण मौजूद थे, अन्यथा भयंकर हादसा होता और स्नान कर रहे बच्चों की जान चली जाती। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।